AI का अधिकार एक तरफ जहां बड़ी ताकत बनकर सामने आया है, वहीं कुछ लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते दिख रहे हैं, ताकि दूसरे लोगों को सिर्फ परेशान किया जाए। ऐसा ही एक मामला स्योहारा क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां दो लोगों ने काजमपुर स्थित दुर्गिया पब्लिक राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में धांधलेबाजी का आरोप लगाते हुए प्रबंधक समिति को घेरने का प्रयास करते हुए शिकायत की थी। शिकायत के बाद अब जांच टीम विद्यालय पहुंची। बताते चलें कि जांच टीम द्वारा शिकायतकर्ताओं को कई बार बुलाया गया, लेकिन कोई भी शिकायतकर्ता नहीं पहुंचा, जिसके बाद शिक्षकों में रोष व्याप्त हो गया। शिक्षकों ने दोनों शिकायतकर्ताओं पर शिकायत के नाम पर पैसों की मांग करने का भी आरोप लगाया है। धर्मवीर सिंह और नंदराम सिंह ने यहाँ के प्रबंधक श्री शीशराम जी के प्रति कई बिंदु दिए, जिसमें एक आरोप लगाया कि बार बार मुझको मारने पीटने की धमकी देते हैं। डीआरएस ऑफिस में गए तो वहाँ भी इन्होंने मेरे साथ मारपीट की, किंतु हमने वहाँ पे देखा एसआई की वहाँ पे रिपोर्ट लगी हुई है, इस तरह की कोई घटना वहाँ पे नहीं हुई। ये इनका जो है विद्यालय का मामला है, जिसको बार बार एक तरह से ब्लैकमेलिंग का लग रहा है। अच्छा, ब्लैकमेलिंग वो लोग जो है जिन्होंने शिकायत की है, ब्लैकमेलिंग लग कर जी। और दूसरी बार इन दोनों शिकायतकर्ताओं को मैंने एक तो नोटिस दिया 4-5 दिन पहले कि आप जो है दिनांक आज 15 तारीख को यहाँ पे उपस्थित हों अपनी सारी बातें रखने के लिए, तो ना तो नोटिस के कहने के अनुसार आप यहाँ पे आए, और दूसरे इनको मोबाइल से ही मैंने 2 बार कल भी फ़ोन किया और आज भी इनको बताया, तभी ये यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए। तो क्या इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई क्या, जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दोनों पक्षों की मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इसको लिख करके मैं अपने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित करूँगा, और जैसा निर्णय देंगे उच्चाधिकारी देंगे इसको।